नमस्कार आदाब सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू वेलकम वंस अगेन टू अवर चैनल एक्सप्लोरिंग कॉमर्स बाय सरसोरो होप सो यू ऑल आर फिट एंड फाइन सो टुडे आई एम हियर विद यू ऑन अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी ट्रेंडिंग टॉपिक दैट इज इंडियन आर्मी रिक्रूटमेंट एज यू नो मोस्ट ऑफ द पर्सन और स्टूडेंट्स ने न्यूज़ सुन लिया होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या डिफेंस मिनिस्ट्री ने अपने नोटिफिकेशन में 15 जून को अनाउंसमेंट कर दिया कि अब से जो आर्मी का सिलेक्शन है इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी जो इंडियन डिफेंस फोर्सेज हैं इसके लिए जो सिलेक्शन का प्रोसीजर है वो चेंज कर दिया है जिसके अंदर अभी अग्नि योजना के नाम से एक नया एक पॉलिसी गवर्नमेंट लेकर आ रही है। गवर्नमेंट ने कहा है कि अब जो वर्किंग टाइम रहेगा वो 4 ईयर्स कर दिया जाएगा जो कि पहले 15-18 ईयर्स या 12 जो भी टाइम ड्यूरेशन था उसमें रहता था बट अब गवर्नमेंट ने कहा कि अब ड्यूरेशन रह जाएगा सिर्फ 4 ईयर्स। इसके साथ साथ नोटिफिकेशन में क्या कहा गया ये प्रेस रिलीज की गई थी हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह द्वारा उन्होंने क्या क्या इन्फॉर्मेशन शेयर किया। नंबर 1 कि टेन्योर हो जाएगा 4 ईयर्स। नंबर 2 जितने भी जो इसमें कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे उनका एज ड्यूरेशन रहेगा 17.5 मतलब 17.5 साल से 21 साल तक जो एज ग्रुप होगा वो इसमें रिक्रूटमेंट में पार्ट ले सकता है एंड दैट इज अ ओल्ड वन। पहले भी इंडियन आर्मी की सिलेक्शन में ये एज ग्रुप था। नंबर नेक्स्ट फिर कहा गया कि जो उनका स्टार्टिंग सैलरी होगा दैट विल द 40,000 पर मंथ। ओके दैट इज द स्टार्टिंग में बट जब जैसे ही वो अपने सर्विस के 4th ईयर में एंटर करेंगे दिस सैलरी बिकम 60,000 पर मंथ 60,000 रुपये महीना हो जाएगा। एक पैकेज दिया गया बट आप उसको जब मंथली करेंगे तो वो आपका 60,000 पर मंथ बनता है। नंबर नेक्स्ट फिर कहा गया कि जो जितने भी लोग सेलेक्ट होंगे उसमें से 25% लोग ही 25% लोग ही जो होंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर पाएंगे। मतलब ये हुआ कि 75% लोग हैं वो आफ्टर 4 ईयर्स बाहर निकाल दिए जाएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा जबकि 4-25% लोग होंगे वो आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब ये 25% लोग कौन से होंगे क्या क्राइटेरिया होगा ऐसा उस नोटिफिकेशन में कुछ भी मेंशन नहीं किया गया है। नेक्स्ट कहा गया कि 4 ईयर्स के बाद जब आप कंप्लीट कर लेंगे अपना सर्विस टेन्योर पूरा कर लेंगे उसके बाद आपको 11 लाख रुपीज आपको लमसलम अमाउंट दिया जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द योर जॉब जो टेन्योर है 4 ईयर्स का कंप्लीट करने के बाद 11 लाख रुपए आपको उसके दिए जाएंगे। नेक्स्ट नोटिफिकेशन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग जबरदस्त बात लिखी गई है जो कि थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि जो लोगों ने शायद नोटिफिकेशन को अच्छे से देखा नहीं जो मैं आज देख रहा था न्यूज में देखा काफी सारी सिटीज में बिहार छत्तीसगढ़ हरियाणा में हाईवे जाम कर दिए गए माइट भी शायद ये नहीं देखा उसमें कहा गया कि यूथ जो एक अब कहीं यूथ का पॉइंट था जो मैं सुना था उसमें वहां कहा कि वो तो एक पढ़ने लिखने की आप 21 साल में बाहर कर देंगे फिर क्या करेंगे। उसके लिए गवर्नमेंट ने 2 सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे। नंबर 1 कि ड्यूरिंग द 4 ईयर्स टेन्योर आपको ग्रेजुएशन डिग्री भी करवाई जाएगी थ्रू इग्नो के जरिए आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी करवाई जाएगी। नंबर 1। नंबर 2 आफ्टर 4 ईयर्स जो आप 4 साल का वापस अपना जॉब कर लेंगे इट नेवर मीन्स कि आप इसके बाद कोई और जॉब नहीं कर सकते या आप कोई और फोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते इट सिंपली मीन्स कि आप इंडिया के डिफेंस फोर्सेज ज्वाइन नहीं कर सकते। डिफेंस फोर्सेज मतलब मीन्स इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स इंडियन नेवी जबकि आप आफ्टर 4 ईयर्स जो बाकी हमारी पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनको जब ज्वाइन नहीं करेंगे उसमें भी आपको कुछ स्पेशल प्रेफरेंसेस दी जाएंगी लाइक एक्स सर्विसमैन कोटा होता है जनरल ओबीसी ना कोटा रहता है इन सब का वैसे ही एक नया कोटा क्रिएट किया जाएगा जो लोग उस 4 ईयर्स का टेन्योर कंप्लीट कर कराएंगे इन पैरामिलिट्री फोर्सेज में कौन कौन आ गया CRPF आ गया IDP आ गया SSB आ गया ये सब पैरामिलिट्री फोर्सेज का पार्ट है उसमें भी ज्वाइन कर सकते हैं। नंबर 1 आप किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर में जाकर अपना कॉर्पोरेट सेक्टर में जाके भी आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट गवर्नमेंट ने कहा है कि हम अपनी इकोनॉमी को अच्छा डेवलप करने के लिए स्टार्टअप्स पे ज्यादा जोर दे रही है इस टाइम पे गवर्नमेंट जो 2014 में इंडिया ने स्टार्टअप पॉलिसी लाई थी उसके रिगार्डिंग कहा गया कि जो उनको वो 11 लाख अमाउंट इसलिए दिया गया है ताकि वो अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें तो स्टार्टअप्स में जो होगा गवर्नमेंट उनको एक्स्ट्रा सब्सिडीज प्रोवाइड करेगी उनको लोन प्रोवाइड करेगी ताकि वो अपना एक बिजनेस एस्टैब्लिश कर सकें। ये सब उस नोटिफिकेशन में बताया गया है। अब देखो हर एक चीज का जो नोटिफिकेशन आती है जो भी गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है हर एक का उसको देखने का एक अपना माइंडसेट रहता है। अगर आप उसमें पॉजिटिव ढूंढेंगे तो एवरीथिंग विल बी पॉजिटिव
बट यू थिंक कि इसे नेगेटिव बहुत गलत है जी, या किसी की बात समझेंगे नहीं सुनेंगे नहीं, फटाफट गलत बात बोल दी, चार साल बाद खत्म कर दी, तो इट विल बी नेगेटिव फॉर यू। सो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू। आप, मैं सभी को ये बोलूंगा कि जस्ट गो एंड वंस रीड द ऑल नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन आया उसको पूरा पढ़िए, गवर्नमेंट ने क्या पॉलिसी रखी है, देन ये आपको क्लियर देगा। नो डाउट लिटिल बिट इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लूपहोल्स हैं, लाइक नंबर वन, इतनी बड़ी पॉलिसी आप लॉन्च करने जा रहे हैं स्पेशली फॉर द यूथ, तो आपको थोड़ा सा टाइम लेना चाहिए था। एक प्रपोजल आप पेश कर सकते थे, राइट, मे बी उससे थोड़ा सा जो लोगों में प्रॉब्लम्स हैं वो ना रहती। एक आपने ऑन स्पॉट जाके डिसीजन फाइनलाइज कर दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता दिया कि भाई हमने ये पॉलिसी लॉन्च कर दी है। नेक्स्ट, अब कुछ लोगों को अब ये भी लग रहा है कि गवर्नमेंट ने जो पीछे बच्चों के रिटर्न एग्जाम्स नहीं हुए थे, अब उस पे मतलब 90-95% क्लियर हो गया कि अब वो एग्जाम नहीं होगा, बट अभी तक उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। ये भी क्लियर कर दो, ऑफिशियल नोटिफिकेशन कहीं भी नहीं है, बट ऐसा माना जा रहा है कि अब न्यू रिक्रूटमेंट पॉलिसी आ गई है, तो शायद अब जो पीछे वाले रिटर्न एग्जाम है वो नहीं होंगे। क्लियर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इसमें आस्पेक्ट ये देखा जा सकता है कि आप 21 ईयर्स के बाद आके कोई भी आप अपना काम कर सकते हैं। बहुत से लोग जो हैं, जैसे आपने चार साल वहाँ वर्क कर लिया, अच्छा एक थोड़ा सा हैंडसम अमाउंट आपने अर्न भी कर लिया है, हैंडसम अमाउंट आपने अर्न कर लिया है, इसके बाद आप अपनी हायर स्टडीज के लिए जा सकते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं, आप कोई और काम भी कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक उस तरीके से देखा जाए तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप है, गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा स्टेप है। लेकिन मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा आई एम नॉट सपोर्टिंग टू एनी गवर्नमेंट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। जो भी मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, जो मैं, ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा एज पर माई अंडरस्टैंडिंग जो मैं इस पॉलिसी के बारे में पढ़ पा रहा हूँ वो मैंने आपके साथ शेयर किया। एंड आई थिंक सो लिटिल बिट प्रॉब्लम्स है, फिर कहूँगा थोड़ी प्रॉब्लम्स है, बट एक बात और बोलूंगा, विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे कुछ टाइम बीतेगा, गवर्नमेंट डेफिनेटली इसके बीच कुछ और पॉइंट्स भी ऐड करेगी। सो पैनिक होने की जरूरत नहीं है, जस्ट वेट फॉर द फ्यू डेज, गवर्नमेंट विल डेफिनेटली। देखो आज यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी ने इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स की बात की, फिर आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंज होगी, तो वी आर जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, देन और अच्छे से क्लैरिटी इसके बारे में मिल जाएगी। एंड नंबर नेक्स्ट, गवर्नमेंट ने जो अभी कहा है कि वो 46,000 नए लोगों का सिलेक्शन करेगा फर्स्ट टाइम में। एंड नंबर टू, हर एक साल में दो बार इसका प्रोसीजर चलेगा, रिक्रूटमेंट साल में दो बार होगी एंड देन कंफर्म्ड। छह छह महीने के गैप पे आपकी साल में दो बार रिक्रूटमेंट भी होगी, ये भी गवर्नमेंट ने पॉलिसी में क्लियर किया है। होप सो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स के जो डाउट थे या कैंडिडेट्स के डाउट थे माइट भी क्लियर हो सके होंगे। एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर टू एनी वन जिसको आप लगता है कि इनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, शेयर टू एवरीवन, एंड थैंक्स एंड हैव अ गुड डे।